दोस्तों, क्या आप भी क्रिकेट के फैन हैं? अगर हाँ तो क्या आपने क्रिकेट वर्ल्ड के 20 ऐसे रिकॉर्ड्स के बारे में सुना है जिसे आज के समय में तोड़ पाना नामुमकिन है? फिर चाहे वो लॉन्गेस्ट टेस्ट मैच का रिकॉर्ड हो या फिर एक मैच में 19 विकेट बनाने का। अगर आपको भी इन 20 हार्ड टू ब्रेक क्रिकेट रिकॉर्ड्स के बारे में जानना है तो इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। नंबर 20, लॉन्गेस्ट टेस्ट मैच। दोस्तों, लॉन्गेस्ट टेस्ट मैच का रिकॉर्ड क्रिकेट वर्ल्ड के सबसे इनसेन रिकॉर्ड्स में से एक माना जाता है, तो भला हम इसे अपने इस लिस्ट में डालना कैसे भूल सकते हैं? आज के समय में इस रिकॉर्ड को तोड़ पाना पॉसिबल ही नहीं है। 1939 में यह रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच चल रहे मैच के दौरान बना था और 3 मार्च से शुरू होने के बाद ये मैच 14 मार्च तक चला था। इस मैच को आज के समय में टाइमलेस टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 19, मोस्ट फर्स्ट क्लास सेंचुरीज। दोस्तों, अगर हम बात करें क्रिकेट वर्ल्ड के एक ऐसे रिकॉर्ड की जिसे तोड़ना काफी ज्यादा मुश्किल है, तो शायद वो यही रिकॉर्ड होगा। और ये रिकॉर्ड दर्ज है सर जैक हॉब्स के नाम पर, जिन्होंने 199 फर्स्ट क्लास सेंचुरीज बनाई थी 50.70 के एवरेज पर, और इसे शायद ही अब तक कोई तोड़ पाएगा। नंबर 18, हाईएस्ट फोर्थ इनिंग स्कोर। दोस्तों, 1939 में डरबन में हुए टाइमलेस टेस्ट के दौरान ये रिकॉर्ड बनाया गया था। साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को 696 रनों का बड़ा टारगेट दिया था। हालांकि थ्री लॉयंस ने चौथी पारी में 654 पे 5 विकेट का स्कोर बनाया था, जो अब तक का सबसे ज्यादा स्कोर है, और इसके बाद मैच को रद्द कर दिया गया था, और यह अब तक के सबसे अनछुए क्रिकेट रिकॉर्ड्स में से एक है। नंबर 17, मोस्ट डिसमिसल्स इन द नर्वस 90s। 1990 में सबसे अधिक आउट होने का संदिग्ध रिकॉर्ड दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेटरों में से एक सचिन तेंदुलकर के नाम है। सही सुना आपने दोस्तों, 90 के दशक में क्रिकेट के गॉड 18 पर आउट हुए और 100 के करीब उन्हें पहुंचते हुए तनाव होने के लिए जाना जाता था। नंबर 16, स्लोएस्ट 50 इन द टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट आज के मॉडर्न स्पोर्ट्स में सबसे स्लो स्पोर्ट्स में से एक माना जाता है। प्लेयर्स पिच का आकलन करके जमने और अपने स्ट्रोक खेलने के लिए अपना समय लेते हैं, और वीरेंद्र सहवाग जैसे प्लेयर्स स्वागत योग्य हैं। इन सब के साथ साथ ही हम बात कर सकते हैं ट्रेवर बेली की, जिन्होंने इस इंग्लैंड इंटरनेशनल में 350 गेंदों में सबसे स्लो हाफ सेंचुरी बनाई। उन्होंने 427 गेंदों में 68 रन बनाकर यह रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया। नंबर 15, मोस्ट डिलीवरीज इन एन ओवर। पाकिस्तान ने क्रिकेट की दुनिया में सचमुच काफी वाइड रिकॉर्ड बनाए हैं। नो बॉल और वाइड को इलीगल डिलीवरी माना जाता है, और एक ओवर तभी कंप्लीट माना जाता है जब सारी 6 बॉल्स लीगल हों। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर मोहम्मद सामी के पास बांग्लादेश के अगेंस्ट एक ओडीआई में ना चाहते हुए भी 17 बॉल डालते हुए सबसे लंबा ओवर बनाने का अनचाहा रिकॉर्ड है। उन्होंने 7 वाइड और 4 नो बॉल फेंकी। नंबर 14, शॉर्टेस्ट टेस्ट मैच इन हिस्ट्री। हमारी इस लिस्ट में हम लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट टेस्ट मैच दोनों के ही रिकॉर्ड की बात करने वाले हैं, और अब जब हम लॉन्गेस्ट की बात कर ही चुके हैं तो आइए हम आपको बता देते हैं शॉर्टेस्ट टेस्ट मैच रिकॉर्ड के बारे में। यह रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका ने 1932 में बनाया था। यह मैच साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 54.3 ओवर में 153 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका दोनों पारियों में 36 रन और 45 रन ही बना सकी। ऑस्ट्रेलिया ने जीतने के लिए सिर्फ 109 ओवर ही खेले और सीरीज 5-0 से अपने नाम कर ली। नंबर 13, मोस्ट रन स्कोर्ड इन अ डे ऑफ टेस्ट मैच। दोस्तों, क्रिकेट के रिकॉर्ड की बात हो रही हो और सर डॉन ब्रैडमैन का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। इन्होंने 11 जुलाई 1930 को इंग्लैंड के खिलाफ 309 रन एक ही दिन में स्कोर करके पूरे खेल के जगत को अचंभित कर दिया था। नंबर 12, मोस्ट विकेट्स इन द फर्स्ट क्लास करियर। यह वास्तव में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और कोई भी आज तक इस रिकॉर्ड के मालिक विल्फ्रेड रोड्स के करीब तक नहीं है। उन्होंने 1000 से भी ज्यादा फर्स्ट क्लास मैचेस खेले और अपने 32 साल के करियर में 39,969 रन बनाने के साथ साथ 4,204 विकेट लिए। तो दोस्तों, है ना हैरान कर देने वाले नंबर्स। आज के तारीख में लोग मुश्किल से 400 मैच खेलते हैं, बाकी चीजों की तो बात ही छोड़ दीजिए। क्या लगता है आपको, ये रिकॉर्ड तोड़ना मुश्किल है या आसान? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 11, मोस्ट रनआउट्स। यह एक ऐसा रिकॉर्ड है जो शायद ही कोई अपने नाम करना चाहेगा। श्रीलंका के पूर्व सलामी बल्लेबाज मरवन अट्टापट्टू देश के सबसे शानदार क्रिकेटर में से एक हो सकते हैं, लेकिन वो अपने करियर के दौरान कुछ भयानक गड़बड़ियों में शामिल रहे और ओडीआईज मैचों में 41 बार आश्चर्यजनक रूप से रन आउट हुए। है ना एकदम हैरान कर देने वाली बात। नंबर 10, कैप्टनिंग एट द एज ऑफ 50। क्या आप जानते हैं क्रिकेट वर्ल्ड के सबसे पहला सुपरस्टार डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ग्रेस को माना जाता है। उन्होंने इंग्लैंड में 50 साल की उम्र में कैप्टनिंग की। आपको बता दें कि ना तो इससे पहले इतने उम्र के किसी व्यक्ति ने कैप्टनिंग की थी और ना ही इसके बाद कोई कर पाया। 1899 से ये रिकॉर्ड आज तक कायम है और इसे तोड़ पाना बेहद मुश्किल है। नंबर 9, 50 प्लस रन इन दियर वर्ल्ड कप फाइनल्स। वर्ल्ड कप फाइनल्स में जगह बनाना अपने आप में एक अचीवमेंट है, लेकिन एक बैट्समैन के रूप में लगातार 3 बार 50 प्लस का स्कोर बनाना अपने आप में एक और रिकॉर्ड है। यह एडम गिलक्रिस्ट के पास जाता है, क्योंकि उन्होंने 3 फाइनल में 2 हाफ सेंचुरी और 1 सेंचुरी लगाया था, जिसका अनुकरण करना कठिन होगा। नंबर 8, 3 डबल सेंचुरीज इन ओडीआईज। दोस्तों, अगर क्रिकेट रिकॉर्ड्स की बात हो ही रही है तो हिटमैन रोहित शर्मा का नाम ना आए ऐसा भी हो सकता है क्या? रोहित शर्मा ने 50 ओवर के वनडे क्रिकेट में कुल 3 बार डबल सेंचुरीज मारी है, जो कि किसी भी बैट्समैन के लिए बहुत बड़ी बात होती है। नंबर 7, कॉन्सिक्यूटिव मेडन ओवर्स। भारतीय स्पिनर रमेश चंद्र गंगाराम नाडकर्णी ने एक बार एक भी रन न देकर लगातार 21 ओवर फेंके। कुल मिलाकर उन्होंने केवल 5 रन ही दिए। ये रिकॉर्ड आज तक नहीं टूट पाया और लगता है कि जैसे कोई इसे आसानी से तोड़ सकता भी नहीं है। नंबर 6, इंटरनेशनल विकेट विदाउट बॉलिंग। दोस्तों, भारत के विराट कोहली को भला कौन नहीं जानता, पर क्या आप जानते
कहते हैं कि बिना लेजिटमेट बॉलिंग के अपना पहला विकेट लेकर विराट कोहली ने एक यूनिक रिकॉर्ड अपने नाम पर दर्ज किया था। उन्होंने केविन पीटरसन का विकेट लेकर T20s में यह रिकॉर्ड बनाया था। नंबर 5, 3 ओवर सेंचुरी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सर डॉन ब्रैडमैन को हम ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम के नाम से भी जानते हैं, और इन्होंने एक बार सिर्फ 3 ओवर में ही पूरी एक सेंचुरी स्कोर की थी, जिसमें से एक ओवर 8 बॉल लंबा था और 18 मिनट से पहले उन्होंने एक सेंचुरी मार्क्स क्रॉस किया था। नंबर 4, मोस्ट फर्स्ट क्लास विकेट्स। दोस्तों, इंग्लैंड ऑलराउंडर विल्फ्रेड रोड्स के पास सबसे ज्यादा फर्स्ट क्लास विकेट्स बनाने का रिकॉर्ड है। विल्फ्रेड रोड्स ने अपने इनक्रेडिबल करियर में पूरे 4204 विकेट बनाने का रिकॉर्ड बनाया है, जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। नंबर 3, 30-year करियर। दोस्तों, हमारा अगला रिकॉर्ड है सबसे लंबे क्रिकेट करियर का, और भले ही हम सभी जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट करियर 24 साल लंबा था, पर ये सबसे लंबा नहीं, क्योंकि इंग्लिश ऑलराउंडर विल्फ्रेड रोड्स का क्रिकेट करियर पूरे 30 साल का था और ये रिकॉर्ड अभी तक किसी ने नहीं तोड़ा है। नंबर 2, 199 फर्स्ट क्लास सेंचुरीज। भले इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरीज बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम पर हो, लेकिन फर्स्ट क्लास सेंचुरीज में सबसे ज्यादा सेंचुरीज बनाई थी जैक हॉब्स ने। सही सुना आपने, जैक हॉब्स ने 199 सेंचुरीज बना के यह अद्भुत रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है। नंबर 1, 19 विकेट इन वन मैच। और ये एक मैच में 19 विकेट का रिकॉर्ड दर्ज है जिम लेकर के नाम पर, जिन्होंने सिंगल मैच में सबसे ज्यादा विकेट बनाए। इनका ये मैच था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और अभी तक कोई भी रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा रिकॉर्ड कभी भी नहीं टूट सकता, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।